So I'm really delighted टू ब्रिंग दिस आप इसको एपिसोड भी कह सकते हैं आप इसको सेगमेंट भी कह सकते हैं बट आई एम रियली डिलइटेड ब्रिंग दिस नेक्स्ट सेशन ऑफ वर्ल्ड प्रेस के सुपर हीरोज विज वन फातिमा कौन है फातिमा इज समन हुजायर टेक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान बाय क्रिएटिंग अ वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड टेक जूस टेक जूस करती क्या है ये तो आप फातिमा uh, से सुनेंगे ही बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये देखना यह सुनना ये समझना कि हमने फातिमा को क्यों बुलाया फातिमा को हमने इसलिए बुलाया इधर क्योंकि एक तो फातिमा बिलोंग्स टू लाहौर एंड दिस रिकॉर्डिंग दैट वी डूइंग फॉर यू पीपल इज़ इन लाहौर पर एट द सेम टाइम शी कम्स फ्राम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड शी इज़ वेरी यंग शी इज़ मोस्ट प्रोबली यंगर और ऑफ द सेम एज एज मोस्ट ऑफ यू जो आप हमें बैठ के सुन रहे हैं देख रहे हैं और समझ रहे हैं और साथ हमसे सीख रहे हैं फातिमा को बुलाने का मकसद ताकि हम आपको दिखा सकें कि देर आर नो बैरियर्स टू सक्सेस के सक्सेस इज़ अ जर्नी एंड सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन कि आप खुद सीखेंगे अपने लिए आप खुद सीखेंगे पाकिस्तान के लिए आप सिर्फ तब पाकिस्तान को बदल सकते हैं अगर आप अपने आप को बदल सकते हैं और इसी तरह की एक बड़ी मज़े की डिस्कशन बड़ी मज़े की गुफ्तगु एंड फुल ऑफ लर्निंग के लिए हमने फातिमा को इधर बुलाया सो फातिमा इट्स प्लेजर टू हैव यू हेयर थैंक यू सो मच सा फातः हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे mm -hmm. जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि आपका जर्नी वॉज ईजी आई नो दिस बिकॉज आई हैव अ फैन ऑफ टेक जूस एंड आई हेव बिन फॉलोइंग टेक जूस फ्रॉम द स्टार्ट और मुझे पता है कि आपने किस तरह से शुरू से लेके इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और आज तक द जर्नी हैज़ नॉट एंडेड यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग यू आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग सो so, हमारी जो ऑडियंस हमारे साथ बैठी हुई है सुन रही है देख रही है उसको मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप उनको बताएं अपनी स्टोरी के बारे में कि आपने आज से काफ़ी साल पहले कहाँ से शुरू किया एंड हाउ डिड यू मैनेज टू स्टार्ट समथिंग एज बिग एज डेज टेकजूस इंटरेस्टिंगली टेकूस की शुरुआत फ्री से स्टार्ट हुई थी बैक इन टू मैं यू लाहौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रही थी और उस टाइम भी पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के बारे में बात होना शुरू हुई थी और दे वर टू टाइम काइंड ऑफ पीपल एक जो ग्रुप था वो आ, कहता था कि जो ऑनलाइन अर्निंग है वो स्कैम है आप ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते थे और एक ग्रुप कहता था कि नहीं ये पॉसिबल है आप ऑनलाइन कुछ काम कर सकते हैं और उसके थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हैं तो आई बिलोंग टू दैट ग्रुप और मैंने इंटरनेट के ऊपर क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी मैंने इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि मैं ऑनलाइन किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ और अर्निंग कर सकती हूँ जब मैं रिसर्च कर रही थी आई केम अक्रॉस दिस वेबसाइट इट वाज कॉल्ड ओ डेस्क अभी अब वो अपवर्क के नाम से जानी जाती है तो मैंने ओ डेस्क के ऊपर काम करना शुरू कर दिया अब मैं यूनिवर्सिटी में उस टाइम थर्ड सेमेस्टर में थी और मेरे पास आ, प्रोग्रामिंग की इतनी स्ट्रॉग स्किल्स नहीं थी और लेकिन फिर भी मुझे पैशन था कि मुझे ऑनलाइन काम करना है और मुझे अपने आप को प्रूव करना है तो मैंने वहाँ पर बहुत सी जॉब्स वगैरह को रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड देन आई रियलाइज़ के शायद मैं अभी प्रोग्रामिंग की जॉब्स नहीं कर सकती लेकिन मेरे पास ग्राफिक्स की स्किल्स हैं और मैं बहुत छोटे छोटे काम कर सकती हूँ मेरी ओडेस्क के थ्रू फ्रीलांसिंग का जो जर्नी है वो आ, स्टार्ट हुई शुरू में मुझे बहुत छोटे क्लाइंट्स मिले और बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे लेकिन विद इन अ मैटर ऑफ ईयर बिकॉज मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा था रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और मैं बड़ी पन्चुअलिटी के साथ डिसिप्लिन के साथ अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उनको डिलीवर कर रही थी मेरी जो रेटिंग थी वो फाइव थी फाइव स्टार ओडेस्क के ऊपर तो मुझे क्लाइंट्स जो थे वो इंटरनेशनल मिलने लग गए आ, मैंने आ, जो यू में बहुत से क्लाइंट्स थे उनके साथ काम किया मैंने यू में क्लाइंट्स के साथ काम किया मैंने इंडिया में क्लाइंट्स के साथ काम किया बाय द टाइम वेन आई ग्रेजुएटेड इन टू मेरा uh, मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी जो यूएस में थे और मैं एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रही थी जो अल्टीमेटली अपनी कैटेगरी में जोग्राफी एंड ट्रैवल की कैटेगरी में वो नंबर वन एप्लीकेशन भी बनी एंड दैट वाज अ पेड एप्लीकेशन तो जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मेरी लर्निंग थी उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस हुआ कि एक तो मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है और फिर दूसरा ये कि मेरे पास क्योंकि मार्केट का इतना एक्सपीरियंस है मेरे इतने इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो मैं अपनी एक प्रोडक्ट खुद से डेवलप कर सकती हूँ लेकिन उस टाइम मार्केट के अंदर जब आप लाइक यू आर अ गर्ल आप एक लड़की हैं और आप बाहर जाके लोगों से कहती हैं कि आप एक अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो लोग आपसे कहते हैं कि बहुत मुश्किल है तुम लड़की हो और पाकिस्तानी माशरे में शायद एक लड़की के लिए बिज़नेस कारोबार करना बहुत मुश्किल है तो मुझे भी इसी तरह का फीडबैक मिला तो अल्टीमेटली आई स्टार्टेड अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने दो साल यहाँ पे लाहौर में ही एक सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ पे जॉब भी की लेकिन जब मैं जॉब कर रही थी आई रियलाइज दैट आई वांट टू डू समथिंग बिगर इन माय लाइफ ठीक है मैं कोडिंग कर रही हूँ यहाँ पर मेरी यहाँ पर अच्छी सैलरी है लेकिन आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ और तो वो जो पैशन था वो पैशन को ले और मेरे पास एक आइडिया था मैं यहाँ पर ही इको में बहुत से लोगों से मिली लेकिन मुझे फीडबैक इतना सपोर्टिव नहीं मिला एंड आई गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसहार्टनड एज़ वेल और उस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं या कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें क्योंकि मुझे उस टाइम लग रहा था कि अगले पाँच सालों में पाकिस्तान में स्टार्टअप्स बिजनेसेस और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी चीज़ होने वाली हैं Um, क्योंकि मुझे इस रिसर्च के बाद कोई वेबसाइट पाकिस्तान में नहीं मिली तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो ऐसी वेबसाइट खुद लॉन्च कर देनी चाहिए एंड इट वाज कॉल्ड पच्चीस लाख रीडर्स जो हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर हर महीने आते हैं जबरदस्त वैसे तो मैं लाइव कैमरे पे आपसे आपकी एज नहीं पूछना चाह रहा बट आई नो यूर प्रटी यंग एंड टू बी एट दिस एज कि इतनी यंग एज पे फातिमा इज़ नाउ मैनेजिंग एफ टीम ऑफ ट्वेंटी पीपल अगर इन्होंने किया है तो ये आप भी कर सकते हैं अगर ये आप भी कर सकते हैं तो ये कोई भी नौजवान जो वहाँ बैठा है और ये हमें सुन रहा है हमें देख रहा है वो भी कर सकते हैं एंड दिस इज़ एन अपरचुनिटी फॉर यू कि आप देखें कि फ़ातिमा ने जिस तरह ये किया आप उन स्ट्रैटीज़ को अप्लाई करके कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है किधर की वो है रिसर्च सो वन ऑफ़ द स्किल्स दैट पीपल डू नॉट लर्न और अप्लाई इज़ रिसर्च कि भाई आप ये सोचें कि आज आप नॉर्दर्न एरियाज़ का एक ट्रिप करने जाते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट पे लिखे हैं आर सम ऑफ़ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट तो कोई साइट ही नहीं मिलती दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी इस तरह बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके पास हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट बना के वर्ड की साइट बना के अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं बट राइट नाउ वी आर हेयर टू टेक टॉक अबाउट हाउ फातमा चेंज हर लाइफ सो फातिमा वर्ड के बारे में थोड़ा सा हम एक डीप डाइव लेते हैं और आर ऑडियंस इज़ वेरी सरप्राइज एंड वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि टूस इज एक्चुअली पावर्ड बाय सो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट आप वर्ड को अपनी डेली रोजगार में कैसे यूज़ करें एंड पहले ज़्यादा यूज़ करती थी शायद अब कम करती हूँ वो ट्रांजिशन के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा हम साद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि अब मेरी टीम का साइज़ ग्रो कर गया है और मुझे टीम को मैनेज करना होता है तो मैं आजकल तो रोजाना वर्ड को इतना एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं कर रही लेकिन अफकोर्स जब टेक जूस को स्टार्ट किया था मैं बिल्कुल अकेली थी मेरे पास कोई टीम नहीं थी और मेरे लिए उस टाइम बड़ा इजी डिसीजन था कि मुझे वर्डप्रेस ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि मेरे पास कोई इंजीनियरिंग की टीम नहीं थी और ना ही मैं कोई अपने साथ ढेर सारे डेवलपर्स हायर कर सकती थी तो बड़ा नेचुरल डिसीजन था कि मैं वर्ड प्रेस सेलेक्ट करूँ क्योंकि एक ओपन सोर्स है इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है आपको सपोर्ट फॉरन मिल जाती है और अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी फीचर इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं उसके लिए आपको दर्जनों प्लग मिल जाएंगे आपको दर्जनों ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो अगर आप अभी भी टेक्डूस की वेबसाइट को देखें तो अपेरेंटली आपको लगेगा इट्स अ ब्लॉग जिसके ऊपर रोजाना कंटेंट एंड न्यूज़ एंड रिव्यूज़ वगैरह पब्लिश हो रहे हैं या आपको स्मार्टफोन की प्राइस नज़र आ रही हैं इस तरह के टूल्स हैं लेकिन बिहाइंड द सीन्स हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अपना हमारा हमारा प्रोसेस है हम वर्ड के ही डिफरेंट प्लग यूज़ कर रहे हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारी वेबसाइट के ऊपर 1200 हंड्रेड स्मार्टफ़ोन्स की एक डेटाबेस है अब अब wow. वो जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी हम लोएस्ट प्राइसेस मेंशन करते हैं सैक्रो uh, uh, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनसे तो अगर मैं वर्ड ना यूज़ कर रही होती या मैं टेक्नोलॉजी ना यूज़ कर रही होती तो मैनवली शायद मुझे दर्जनों लोगों को हायर करना पड़ता जो रोज़ाना उन स्मार्टफोन्स की प्राइस को अपडेट करते लेकिन हमने बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड के अंदर छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू रोज़ाना हमारी जो कोड है वो दर्जनों वेबसाइट के ऊपर जाता है और उन बारह सौ स्मार्टफ़ोन्स की प्राइस को अपडेट कर देता है इसी तरीके से हमारी वेबसाइट के ऊपर क्योंकि बीस से पच्चीस लोग हर महीने आ रहे हैं तो हमने मेक श्योर करना होता है कि हम ऐसा कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनके पसंद का है या yeah, हमने ये देखना होता है कि वो किस पेज के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सो so डेट हम उसी तरह का कॉन्टेंट और प्रोड्यूस करें nice. तो इसके लिए हम कई एक्सटर्नल प्लगन यूज़ कर रहे हैं गूगल एनालिटिक्स का प्लगन यूज़ कर रहे हैं हम पैसे कमाने के लिए गूगल का एक एडसेंस का प्लग है हम वो यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह के कई प्लग uh, हैं uh, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने हमारा काम बड़ा इजी कर दिया लेकिन अगर हम शायद वर्डप्रेस प्रेस प्लेटफॉर्म ना यूज़ कर रहे होते तो हमें एक इंजीनियरिंग टीम बनानी पड़ती जिसमें 50-60 लोग हायर करने पड़ते जो मैनुअली हर चीज हर काम करते कोडिंग करते सब कुछ लिखते और फिर वेबसाइट जो अभी इस टाइम पे जितनी एफिशिएंट है उस लेवल पे लेके आते हैं जबरदस्त अभी फातमा के कुछ जवाब से आपने सीखा होगा कि वट इज द मैजिक इन दिस द मैजिक इज नॉट द टूल द मैजिक इज नॉट वर्ड प्रेस द मैजिक इज द स्ट्रेटी जो मैं आपको शुरू से सिखाता आया हूँ कि ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है अपना एक गोल बनाना बहुत जरूरी है जिस तरह फातमा ने अपना एक गोल बनाया कि मैं वर्ड तो यूज़ कर ही रही हूँ हम कॉन्टेंट भी पब्लिश करें बट आई वॉन्ट टू बी द पब्लिशर विच हैज़ द प्राइसेज और द डाटा बेस ऑफ ऑल स्मार्टफोन और उन्होंने ये करके दिखाया यूजिंग वर्ल्ड प्रेस एज ए प्लेटफॉर्म बट फातिमा को मैं अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अबाउट ऑनटरप्रिनरशिप फातिमा आज का जो डिजिटल इंसान है अ पर्सन कनेक्टेड उसकी लाइफ में तीन पाथ्स हैं या तो वो फ्री बनता है और आपने भी फ्री शुरू में की थोड़ी बहुत साथ ही साथ वो स्मार्ट वर्कर भी बनता है आप स्मार्ट वर्कर भी रहें एंड देन यू बिकेम एन ऑनटरप्रोर सो फॉर ऑल द पीपल आउट देयर जो कि अपने आइडियाज़ को लाइफ में लाना चाह रहे हैं अगर आप इन तीन कैटेगरीज़ में से कोई एक चीज़ उनके लिए सेलेक्ट कर सकती तो आप उनको क्या एडवाइस देती कि इट वुड

Um, और मैं ये जो प्रोसेस था उसको मैंने खूब इन्जॉय भी किया तो मेरा ख्याल ये है कि अगर um, जो सुन रहे हैं लोग और जो देख रहे हैं हमें मेरा ख्याल है कि उन लोगों को खुद से ही एक्सप्लोर uh, करने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम एंड व्हाट इज़ द पाथ दे वांट टू चूज़ फॉर देयर लाइफ ज़बरदस्त लेकिन इसी से एक लीडिंग uh, क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि वट डू यू थिंक आर द फ्यूचर ये पूरा जो डी स्किल्स का प्रोग्राम है इट इज़ अबाउट इंस्पायरिंग The young people to go where they have never gone before. It's for them to explore skills, explore knowledge, explore things जो उन्हें पहले कभी explore नहीं की अपनी comfort zone से हम इनको बार-बार कह रहे हैं कि निकलें, लोगों से मिलें, सीखें, आपस में बात करें. To you, what are skills of the future? कौन सी वो skills हैं जो आपको लगता है apart from WordPress जो हमारे इन young लोगों को सीखनी चाहिए? <laughs> Um, आज जो आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है डिजिटल स्किल्स का दौर है और आजकल जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो दो साल पहले शायद हमने ना सोचा हो फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर कैम्ब्रिज एनालिटिका की हम बारे में बात कर लें तो डैट्स अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम या फिर हम इंडिया में व्हाट्सएप के थ्रू मॉब लिंचिंग की बात कर लें फेक um, न्यूज़ जो है उसकी प्रोपगेशन की बात कर लें तो दैट्स आर दीज़ आर वेरी यूनिक प्रॉब्लम्स और पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आएंगी तो so, मुझे लगता है कि मैं कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं कर सकती कि वट आर गोइंग टू बी द स्किल्स ऑफ द फ्यूचर बट आई रियली थिंक के बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन बिकॉज ऑफ थ्री डी प्रिंटिंग बिकॉज ऑफ वी आर बिकॉज ऑफ द न्यू डिवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी मुझे ये लगता है कि uh, हर बंदे को स्टेम का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए विच मीन्स के साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है अब मैं मुझे याद आ रहा है कि मैं इसी साल के शुरू में चाइना में गई हुई थी और मैं एक स्मार्टफोन मैनुफेक्चरिंग कंपनी को विज़िट कर रही थी जहाँ पर स्मार्टफ़ोन असम्बल हो रहे थे तो आ, जो वहाँ पर जो वर्कर्स थी मैं उनके साथ बात कर रही थी और वहाँ पर एक आर्म लगा हुआ था मशीनी आर्म जो स्मार्टफोन्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कब डेवलप हुई है तो उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने ये आर्म यूज़ करना शुरू किया है और इस आम से पहले पिछले साल 200 सौ एम्प्लॉयज़ थे इस आम के रिप्लेसमेंट में काम कर रहे थे तो दो लोगों ने अपनी जॉब्स जो हैं वो वहाँ पर गवा दी तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी सो अब वो लोग अब आई वॉज लाइक वरीड अबाउट दोज पीपल एज वेल कि विल दे एवर गेट द जॉब आई थिंक कि अगर जॉब जो हैं कम हो रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से ऑटोमेशन की वजह से सो देर इज़ ए ह्यूज ऑपरचुनिटी इन टेक्नोलॉजी एज वेल कि टेक्नोलॉजी की बहुत सी नई जॉब्स आएंगी मार्केटिंग में मार्केट के अंदर लेकिन वो लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी की स्किल्स हैं जिनको बेसिक कोडिंग आती है जिनको बेसिक नोहाव है टेक्नोलॉजी का सिर्फ वो लोग उस मार्केट को कैप्चर कर सकेंगे अदरवाइज दे विल डिमेनिश टाइम वाओ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि उन स्किल्स को देखें द स्किल्स और द फ्यूचर आर दो स्किल्स विच रोबोट कैन नॉट टेक ओवर जिसमें मैं वो अपना फोर सी फार्मूला मुझे शेयर करने का बड़ा शौक है क्रिटिकल थिंकिंग है कम्युनिकेशन है कोलेबोरेशन है एंड कम्युनिकेशन है सो दीज आर द फोर स्किल्स फातमा जाते जाते वी वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू कि आपकी एडवाइस इन यंग लोगों को नॉट जस्ट मैन बट द यंग गर्ल्स सिटिंग आउट देर वो अपने आइडियाज़ को लाइफ में लाना चाहते हैं आपसे सीखना चाहते हैं एंड एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड प्रेस को सीख के क्या क्या कर सकते हैं आपकी एडवाइस उन यंग लोगों के लिए क्या है जो अपने आइडियाज़ को फोरफ्रंट पे लाके अपनी ज़िंदगी और बाकियों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं अच्छा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी ये वर्ड uh, के प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं और ये स्किल्स uh, सीख रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी uh, है यू कैन डू एनी थिंग द स्काई इज़ द लिमिट स्पेशली यूजिंग द वर्ड प्रेस प्लेटफॉर्म और इट इज़ नॉट रिसोर्स इंटेंसिव एज वेल सो मेरी आपके लिए एडवाइस ये होगी कि डोंट लिमिट योर सेल्फ नेवर लूज़ होप एंड पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट गो फॉर इट एंड जस्ट टू इट जबरदस्त सो पेशेंस एंड परसिस्टेंस इज द वर्ल्ड ऑफ द डे सबर से काम लें सबर से सीखें इंटरक्ट करें टेक जूस डॉट पी के लाजमी विजिट करें इनके रेगुलर रीडर बने बिकॉज देयर यू कैन लर्न न्यू थिंग्स अबाउट टेक्नोलॉजी यू कैन लर्न अबाउट न्यू स्किल्स यू कैन लर्न अबाउट वट द फ्यूचर इज तो इसके साथ साथ ही एक दूसरे का ख्याल रखें एक दूसरे से सीखें एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक पाकिस्तान द नंबर वन कंट्री एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी